नगरीय निकाय चुनाव के साथ बीजेपी बागियों के खिलाफ एक्शन में है। कई बार समझाइश के बाद भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 24 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में होने के कारण ग्वालियर ग्रामीण से भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अजीत यादव को निष्कासित कर दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक नगर परिषद आत्री के वार्ड नंबर 10 से निष्कासित उपाध्यक्ष की मां निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी सुनीता शर्मा के विरोध में चुनाव लड़ रही हैं।